अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं फोटोशॉप ट्रिक्स चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ओल्ड फ़ोटोज़ को रिस्टोर कैसे किया जाता है और उसको कलराइज़ कैसे किया जाता है और पिक्चर का जो है साइज़ कैसे बड़ा किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कोई फ़ोटो, ओल्ड फ़ोटो या DSLR की फ़ोटो फ्री में एडिट करवाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में पिक्चर जो है विदाउट चार्जेस एडिट करके दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं 2023 तो मैं वीडियो के एंड में PC रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर आप कहां से डाउनलोड करेंगे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है फोटोशॉप 2023 कौन से PC में रन करता है ये भी मैं वीडियो के एंड में आपको गाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये पिक्चर हमारी जो है अभी 100% जूम पे है। मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ पिक्चर का, इमेज में जाते हैं और इमेज साइज़ में जाते हैं। ये देखें 370 पिक्सल बाय 455 पिक्सल, मतलब इसका साइज़ बहुत कम है, छोटा है। तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं साइज़ को थोड़ा सा। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे फ़िल्टर्स में, न्यूरल फिल्टर में जाएंगे। बल्कि हम इसको कैंसिल कर लेंगे, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं, ऊपर नीचे से सेट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा जो है नीचे से हम इसको क्रॉप करके एंटर कर लेते हैं। फिर हम दोबारा जाएंगे फिल्टर में और न्यूरल फिल्टर में और फिर हम जाएंगे सुपर जूम में। यहाँ से हम इसका जो है पिक्चर का साइज बड़ा करेंगे। मैं एक गुना बढ़ा रहा हूँ, आप जितना चाहें 2 गुना 3 गुना 5 गुना आप जितनी चाहे पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। अभी नीचे प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा टाइम लेती है। फिर हम इसको ओके करेंगे और हमारी पिक्चर का साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। ये देखें पिक्चर हमारी एक गुना बढ़ चुकी है। अभी मैं आपको इमेज में जाके साइज़ दिखाता हूँ इसका। ये देखें पहले 370 पिक्सल था, अभी 634 है। फिर हम जाएंगे फिल्टर्स में और न्यूरल फिल्टर में, उसके बाद हम फोटो रिस्टोरेशन को ऑन कर देंगे। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर साइड पे आ रहा है स्क्रैच रिडक्शन पे, इसको हम खींच के थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 50 पे कर देते हैं ताकि जो हमारी पिक्चर के ऊपर स्क्रैच वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये देखें हमारे स्क्रैच वगैरह सारे पिक्चर से जो है वो रिमूव हो चुके हैं। फॉर आफ्टर आप देख सकते हैं। इसके बाद नॉइस रिडक्शन को हम थोड़ा सा ना 2% आगे कर देंगे, 2 पे कर देते हैं। उसके बाद ये आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको JPEG आर्टिफैक्ट्स को रिमूवल को ऑन कर देते हैं। और ये देखें अभी हमारी पिक्चर, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। फिर हम इसको हाई से ना मीडियम कर देते हैं ताकि पिक्चर जो हमारी फेक ना लगे, हमारी ओरिजिनल पिक्चर लगे, ऐसा ना हो जैसे पेंटिंग टाइप पिक्चर हो।
ये बिफोर और आफ्टर। फिर हम इसको कलराइज पे क्लिक करते हैं और कलराइज फिल्टर्स को ऑन कर देते हैं। और फिर नीचे आएंगे और इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, कलर को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। उसके बाद हम स्किन स्मूथिंग को ऑन कर देते हैं और ब्लर को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। और फिर ये देखें बिफोर और आफ्टर। और इसको ओके कर देते हैं। ये देखें, मैं आपको पहले वाली पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ भी छोटा था, अभी ये 200 जूम पे है। ये देखें, और ये पिक्चर हमारी 100 पे है, ये 200 पे और ये 100 पे। अभी आप इसको मज़ीद और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को लेके ना सेलेक्ट करके तो हम थोड़ा सा कॉर्नर से इसको सेट कर लेते हैं, जहाँ से बैकग्राउंड को। अभी हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी है। ये देखें, ये हमारी ओल्ड पिक्चर है और ये हमने कलराइज है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और वीडियो को शेयर भी करें। और फोटोशॉप 2023 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा पीसी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जिसमें 2023 जो रन करेगा, उसके लिए आपको ये ग्राफिक कार्ड, ये पिक्चर मैंने लगा दी है, 2GB का ग्राफिक कार्ड है ये AMD का। ये आपको मार्केट से 8,800 या 9,000 रुपये का परचेज़ जो है, इसकी प्राइस है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो फिर ये आपको न्यूरल फिल्टर जो है इसमें शो हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो उसमें ये फ़िल्टर्स शो नहीं होंगे। तो PC आपको कोई भी हो, i3 हो या i5 हो, सेकेंड जनरेशन हो, थर्ड हो, फोर हो, वो कोई इतना मायने नहीं रखता। बस आपके पास ये ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और जो है PC के अंदर SSD हार्ड अगर होगी तो बेटर है, अगर नहीं होगी तो फिर उसमें स्पीड थोड़ी सी कम आएगी, स्लो चलेगा वो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी पिक्चर फ्री में एडिट करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे पिक्चर जो है वो सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में विदाउट चार्जेस एडिट करके दूँगा।